पहलवान योगेश्वर दत्त के पदक जीतने पर स्टेडियम में शहर के खिलाड़ियों ने लड्डू बांटकर खुशी मनाई। इस अवसर पर कांग्रेस कमेटी के खेल प्रकोष्ठ महासचिव जोगेंद्र ने कहा कि आज ओलंपिक में देश के खिलाड़ियों द्वारा जीते गए 5 पदकों में से 3 पदक हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों ने जीते हैं। उन्होंने कहा कि योगेश्वर दत्त ने एक और के बाद एक 3 पहलवानों को चित करके कांस्य पदक जीता है। स्थानीय कांग्रेस भवन में आज कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता रोहतक के विधायक बीबी बत्रा ने की। इस बैठक में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस मौके पर रोहतक के विधायक बीबी बत्रा ने कहा कि 15 अगस्त पर हर साल कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रभात फेरी निकालते हैं। इस कार्यक्रम की रूपरेखा को आज अंतिम रूप दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस दिन भारत को आजादी दिलवाने वाले देशभक्तों को याद किया जाता है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर जो हमारी प्रभात फेरी होती है उसको उसकी तैयारी करने के लिए मुझे सभी ड्यूटी बांटी जाएंगी, सब कुछ है। उस दिन कैसा प्रभात फेरी जो हमारे बड़े सालों से हम यहाँ पर निकालते हैं काफी सालों से, सब प्रोग्राम बनाने के लिए मिले।